HBN News. मेरा नाम आनंद है, मैं जोधपुर से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कल कल्कि अवतार के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल्कि अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल्कि अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है, उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं, जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल्कि अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में, पूरी तकरीर में आप सुनेंगे, उसमें मैं साफ तौर से अवतार के मानी क्या है। अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है औ और त्र से। औ टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर, ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार के सही मानी संस्कृत में है पैगंबर, तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है। और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल्कि अवतार जो जिक्र है आपके किताबों में कल्कि पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क यह है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं? आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर है, हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते? आप मानते कि खुदा एक है? भगवान एक है। आप मानते? आप मानते कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितने अरब कंट्री को छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में, आप बॉम्बे में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो वो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर, फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है, हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूँ। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो, मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ, श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो, और इंशाल्लाह